प्रथम दृष्टि में ये मामला सामने आ रहा है कि घरेलू परेशानियों के चलते महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। तो वही रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो खबर आपको बता दें कि ट्रेनों से जुड़ी है, जहां पर कानपुर नगर के अंदर आने वाली सभी रेलवे स्टेशन जैसे पानकी स्टेशन, गोविंदपुर स्टेशन पर रेलवे डायरेक्टर ने जायजा लिया, जहां सभी रेलवे स्टेशनों के साथ कानपुर सेंट्रल में जाने वाली 20 ट्रेनों के लिए सभी यात्रियों को सुविधा को देखा गया। बता दें कि सभी यात्री 90 मिनट पहले ही आएंगे, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफर करना होगा। वहीं इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर गोयल ने। रेल मंत्रालय द्वारा 1 जून से 200 ट्रेनों का आदेश पारित हुआ है, जिसमें कानपुर महानगर से 20 ट्रेनें होकर निकलेंगी, जिसमें कानपुर महानगर के सेंट्रल में अनोखी तैयारियां की गई हैं। वहां पे यात्रियों को 90 मिनट पहले कानपुर सेंट्रल पहुंचना होगा और वहां पे मास्क लगा के रखना होगा। वहीं पे पानी की व्यवस्था की बात की जाए तो टोटी से पानी को नहीं छूना है। वहां पे पैरों के माध्यम से एक अलग प्रकार की अनोखी पहल बनाई गई है, जिसमें पैर के माध्यम से टोटी खुलेगी और पानी निकलेगा। वहीं पे यात्रियों को एक अनोखा 1 जून के बाद से कानपुर सेंट्रल की तैयारियों में नजर आएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन दिखेगा, वही सोशल डिस्टेंस बनाकर रखनी होगी। अगर हम बात करें तो कैमरामैन से बोलेंगे कि ये नीचे जो सराउंडिंग एरिया गोल्स बने हुए हैं, किस प्रकार से सोशल डिस्टेंस बनाया गया है उसको दिखाएं। जो सेंट्रल पे एक जो यात्री 1 जून से आएंगे उनकी एक अलग ही नई दुनिया नजर आएगी। भाई कानपुर महानगर से समीर गोयल, कैमरामैन दलित गुप्ता के